बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स का एक वफद गुज़श्ता रोज़ से यहाँ कश्मीर के दौरे पे आए हैं, तो इनका यही कहना है कि जो कश्मीर की खूबसूरती है उसको फिल्म साजी के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हमारे साथ बॉलीवुड जो प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है उसके CEO है नितिन ओझा जी, हमारे साथ है। नितिन जी, आपका खैर मकदम है। तो ये बताए, जो आपका दौरा है क्या मकसद है इसका? बेसिकली कश्मीर फिल्म वालों के लिए कोई नई जगह तो है नहीं। आई थिंक 1950 से यहाँ पे राज जी ने, शमी जी ने बहुत गाने फिल्में यहाँ पे शूट किए। बस आई थिंक पिछले 10-15 साल में शायद ये शूट थोड़ा कम हो गया है, तो उसको वापस बिल्कुल तेज़ी पर लाए, वही एक मकसद है। तो कल से आप कहाँ कहाँ गए और क्या लग रहा है आपको, क्या फिल्म साजी के लिए कश्मीर के जो यहाँ मकामात है वो मुवाफिक है उसके लिए? हम परसों आए थे यहाँ पे श्रीनगर में, कल गुलमर्ग का दौरा हुआ, आज हाउस बोट में गए। तो कश्मीर जैसा आपको कहा कि वो जानते हैं सब कि कितना खूबसूरत है, पहलगाम है, गुलमर्ग है। एक मेरे ख्याल से एक सिक्योरिटी का एक लोगों को एक टेंशन रहता है, बट यहाँ पे आके जो लोगों का वार्म्थ मिला, जो लोगों का प्यार मिला, आई थिंक वो जैसे लोग यहाँ पे आएंगे वो समझेंगे कि माहौल यहाँ पे बिल्कुल अच्छे है। तो फिल्म प्रोडक्शन हम कब से देखेंगे, कब से शुरू होगी यहाँ बॉलीवुड फिल्म्स की शूटिंग? मेरे ख्याल से अभी शूटिंग तो वैसे ही चालू ही है, अभी हम जाएंगे वापस, सब अपने साथियों को बोलेंगे कि यहाँ पे आप आइए, तो मेरे ख्याल से महीने एक साल के अंदर शूटिंग बढ़ना ही चाहिए। बट हाँ, जैसे इस दौरे का भी एक मकसद ये भी था कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो भी बढ़ाना पड़ेगा जैसे फिल्म मेकर यहाँ पे आ सके। तो आपको लग रहा है कि इस साल में बॉलीवुड की बेशतर जो फिल्में शूटिंग होंगी तो वो कश्मीर में फिल्म आई जाएगी? सिर्फ अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत, अब जैसे जानते बहुत अजीब दौर है बिकॉज ऑफ कोरोना। एक तो आप थिएटर काफ़ी दिन के लिए बंद थे, फिर अभी चालू हुए 50% कैपेसिटी पे, तो अभी इतना सिचुएशन डामाडोल है कि कुछ गारंटी नहीं दे सकते। बट मेरे ख्याल से जैसे ही फिल्मों का दौर अपना स्पीड पकड़ेगा तो कश्मीर सबकी लिस्ट में होगा ही होगा। तो जो बॉलीवुड की जो पास्ट में यहाँ जो शूटिंग हुई थी उनका जब देखा जाए तो एक कश्मीर के कन्फ्लिक्ट को लेकर वो नेगेटिवली वो पोर्ट्रे कर रहे थे, जैसे कि वो लग रहा था स्टेट प्रोपेगेंडा है। तो क्या आपको लग रहा है कि वो बदल जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल से अभी हर प्रोड्यूसर की एक अपनी सोच होती है, राइटर की सोच होती है, ऐसे कुछ प्रोपेगेंडा तो ऐसा सच मेरे ख्याल से कोई मैंडेट होता नहीं है। अलग अलग टाइप की फिल्में होती है, अलग टाइप की कहानियाँ होती है, वो जिस मेकर को चाहता है एंड अल्टीमेटली ऑडियंस चाहता है एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। तो सिचुएशन अनसर्टेन सिचुएशन चल रही है, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि बॉलीवुड की जो शूटिंग है वो गुलमर्ग के अलावा वो पिक्चर भी यहाँ दिखाएगी? सी, ये तो फिल्म मेकिंग आप जैसे जानते एक प्राइवेट एंटरप्राइज है। अब राइटर जो लिखेगा, प्रोड्यूसर जो बनाएगा, वो स्टोरी बनाई जाएगी, वो एक डॉक्यूमेंट्री का तो जरिया है नहीं फिल्म मेकिंग। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कहना कि कौन क्या बनाएगा और उसको ट्रीट कैसे करेगा। तो आपने ये भी कहा नीचे तकरीर में कि यहाँ जो मकामी नौजवान उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो जो फिल्म सेट्स होते हैं वहाँ काम कर सके। हाँ, अभी एक तो जब बॉम्बे का यूनिट सोचता है कहाँ शूट करना है, खर्चा बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप 200 लोग की क्रू यहाँ पे लेके आएंगे तो उसका जो खर्चा होगा वो बच जाएगा अगर यहाँ पे आपको 50-60-70 ट्रेन लोग मिल जाए, और इसी से लोकल यूथ का भी ट्रेनिंग होगा, उनको एक एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट मिलेगा और एक ट्रेनिंग होगी।